हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एंटर योर एटीएम पिन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। जानेंगे सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन पूरी देने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए, स्किप नहीं करना। और दोस्तों, पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सको। और दोस्तों, आपको अगर किसी वीडियो में कन्फ्यूजन मिलता है या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ एटीएम पिन क्या होता है। दोस्तों ये पिन आपको ऑनलाइन शॉपिंग जब भी आप करते हो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको डालना पड़ता है। इसके बिना आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, या फिर आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते हो इसके बिना। और दूसरी चीज़, जब भी आप कैश विदड्रॉ करते हो एटीएम मशीन से, तब भी आपको एंटर एटीएम पिन का ऑप्शन आता होगा, तब वहाँ पर भी आपको एटीएम पिन डालना होता है। तो ये दो तीन जगहों पर आपको एंटर एटीएम पिन लिख के आता है, तो आपको वहीं पर डालना होता है, उसी को बोलते हैं एटीएम पिन। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।